D-Boys! 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 कैसा लगेगा आपको अगर आप 6 साल के हो और आपका बर्थडे है और बाहर वॉर वाली सिचुएशन है, और क्या करोगे आप अगर आपके किचन सिंक के ड्रेनेज सिस्टम में से एकदम से बहुत सारे नोट आने लग जाएं? वेलकम टू अवर चैनल गाइस, टू फिल्मी फ्रेंड्स, दैट इज इक्षक एंड रौनक, और आज हम दोनों ब्लैक में हैं और एज प्रोमिस्ड आपके लिए लेके आए हैं चोक्ड और चिंटू का बर्थडे का रिएक्शन रिव्यू. लोगों को रिव्यू करेक्ट. तो लोगों को वेलकम करना चाहेगा. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हर जय. वेरी गुड. सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एंड में इसको लाइक भी कर देना. और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सबसे पहले हम चिंटू का बर्थडे का रिएक्शन आपसे शेयर करते हैं. रिव्यू राइट. तो इक्षक कुछ कहना चाहेगा तो इसके बारे में, आई एम श्योर तेरे को अच्छा लगा होगा. भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो विनय पाठक साहब हैं, yes. उनकी एक्टिंग कभी डिसअपॉइंट नहीं करती. yes. इवन दो पूरी फैमिली ने जो वो बिहारी, जो बिहारी टोन है शायद, जो वो टोन पकड़ी है, प्रॉपर सही पकड़ी है. एंड ओवरऑल मेरे को रात को ऐसा लगा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं, मेरा टाइम कटा, मैंने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया. राइट. जो तेरा टाइम कटाना और तेरे को टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले. कि एक मिनट के लिए भी तू बोर नहीं हुआ, या तूने अपना फोन या और कुछ चेक करने की देखो जरूरत नहीं लगेगी. इतना अच्छा स्क्रीन प्ले था कि तू स्क्रीन के साथ ही टोटली अटैच. बिल्कुल. थोड़ा सा मैं बीच में इरिटेट हुआ था, थोड़ा सा, जस्ट फॉर लाइक 2 मिनट्स की बर्थडे, बट स्टिल मैं ओवरऑल आई एम हैप्पी. मतलब ठीक है कि एक कमरे में पूरी पिक्चर बना दी और सब कुछ ओके. थोड़ा सा स्टोरी का आइडिया दे देते हैं कि ये एक बिहारी फैमिली है जो वॉर टोन इराक में अब फंसी हुई है काफी टाइम से, बट अब वो यूज्ड टू हो गए हैं और अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. तो उनके बेटे चिंटू का बर्थडे है जो वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं. यूएस आर्मी ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया है, तो थोड़ा सा जो माहौल है बड़ा टेंशन का है. और कैसे ये फैमिली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, उन्हें फोकस है कि अपने बेटे के बर्थडे को उन्होंने स्पेशल बनाना है. मूवी वाकई बहुत अच्छी है और लिमिटेड बजट के साथ रिलीज हुई है, बट स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है. तो डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए. बिल्कुल. कोई चीज तेरे लिए जो स्टैंड, वैसे तू भी था मूवी में? मैं तो वो था ना, माहिद. नहीं भाई, नहीं, वो मेहंदी भैया जिनका घर होता है. हाँ, मेहंदी भैया गिटार पकड़ से बहुत डरता है, फंसा के नहीं. इस मूवी का एक ये भी मैसेज है कि कंपनीज कितनी सेल्फिश होती हैं कि वो विनय पाठक को वहां पे वाटर प्योरीफायर बेचने के लिए भेजती हैं, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनी का सपोर्ट पूरा पीछे से वो खींच लेते हैं और कोई हेल्प नहीं करते उनको वहां से निकालने में. जो भी हेल्प करते हैं वो विनय पाठक के फादर मदर ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि और सारे हिंदूस इवैक्यूएट हो चुके थे उस टाइम पे बगदाद से. हाँ, और एक चीज बहुत अच्छी दिखाई है, कंटिन्यूसली वो टेंशन बिल्ड रहे, उसके लिए ना सायरन्स, गन फायर और वो सब ना बैकग्राउंड में चलता रहता है. तो एक दिखाया गया उसके बावजूद भी फैमिली कितना फोकस रहती है और अपनी अटेंशन को वो डिवाइड नहीं होने देती. स्पेशल मेंशन इसके बारे में, आप कितने स्टार्स देना चाहोगे? एक चीज और स्पेशल मेंशन है चिंटू के लिए, जिसने स्टार्टिंग में जो स्टोरी डिस्क्राइब करी है वो कैसे वहां पहुंचते हैं, और बीच बीच में उनका जो वॉइस ओवर है वो भी बहुत अच्छा है. और वो एनिमेशन अच्छा था बेसिकली. हाँ, वो एनिमेशन भी अच्छा था. हाँ. और बहुत अच्छा विनय पाठक ने भी अपना रोल निभाया, जिनमें उन्होंने लिटरली कभी भी अपनी पेशेंस लूज नहीं करते, जबकि उनकी वो सासू माँ भी उनको ताने दे रही होती है और आर्मी भी उनके घर में आ जाती है, बट वो अपनी पेशेंस कभी लूज नहीं करते. बहुत अच्छा कैरेक्टर भी है. आई थिंक दिस इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन. एक
बहुत अच्छे मैसेज के साथ मूवी है, साफ सुथरी मूवी है, एंड वी विल गो विद 3.5 stars. 3.5 stars रिकमेंडेशन है टू फिल्मी फ्रेंड्स की, तो 3.5 stars वाली मूवी देखनी तो बनती है. इट्स ऑन Z5, सो डोंट फॉरगेट टू चेक. यस. नेक्स्ट अप इज अनुराग कश्यप की Choked, which is there on Netflix. तो थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी का आइडिया दे देता हूँ. स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है सयामी खेर, who is a housewife. She is a banker. वो कैशियर है बैंक में और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो फैमिली चल रही है. उनके हस्बैंड भी कुछ ज्यादा काम नहीं करते हैं, जॉब चेंज करते रहते हैं, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे. उनका बेटा भी है जो दोनों का मैसेंजर बना हुआ है, पापा की बात मम्मी तक पहुंचाता है, मम्मी की पापा तक, क्योंकि दोनों के आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है. तो क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं, वो मुंबई में रहते हैं, एक रात को सडनली उनके ड्रेनेज सिस्टम से पैसे आने लग जाते हैं, जो सयामी खेर को पता चलते हैं. वो पैसों को जोड़ने लग जाती हैं और घर के कुछ ना कुछ सामान खरीदने लग जाती है. अभी उनके हस्बैंड को नहीं पता होता इस पैसों के बारे में. इसके आगे हम नहीं बताएंगे, ये मूवी का प्लॉट है, और इससे ज्यादा बताएंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा, मूवी का फन थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा. तेरे लिए कोई स्टैंड आउट मोमेंट? सयामी खेर की परफॉर्मेंस. बिल्कुल. अगर इस मूवी में प्लॉट के अलावा कोई अच्छी चीज है तो वो है सयामी खेर की परफॉर्मेंस. नाम छोटा, काम बड़ा, सिंपल. इतना बड़ा नाम नहीं है, दुनिया नहीं जानती, बट उन्हीं की वजह से मैं इस पिक्चर में टिका रहा. क्योंकि बाकी भी अगर देखो सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल इतना मेरे को मजा नहीं आ पा रहा. खास नहीं है, खास नहीं है जो सयामी खेर ने काम किया. हाँ, सिर्फ सयामी खेर बेसिकली मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस हैं, तो अगर आप उनको वैसे देखोगे तो आपको लगेगा नहीं ये इंडियन हाउसवाइफ का रोल प्ले कर सकती हैं, बट जिस हिसाब से उन्होंने किया है दैट इज द ओनली मेरे हिसाब से गुड थिंग अबाउट द मूवी. बाकी चीजें इतनी खास नहीं थी, उनके पास बहुत अच्छा प्लॉट था. डिमोनेटाइजेशन पे भी कोई खास पिक्चर बनी नहीं है, नहीं बनी है. तो उस प्लॉट को बहुत इन्होंने वाइजली मेरे ख्याल से यूज नहीं किया. पिक्चर कई कई जगह अपनी पेस लूज कर जाती है. एंड मेरे हिसाब से ये एक ऐसा चैप्टर था जिसकी मूवी ना बना के एक सीरीज बनाई जा सकती थी, जिसपे एक्सप्लेन बेटर हो सकता था. क्योंकि वेब सीरीज में लोग मतलब एक्सप्लेनेशन आपको वाइड मिल जाती है, आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है. मूवी में आपके पास एक सर्टन टाइम लिमिट आ जाती है, 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे. अगर ये वेब सीरीज होती तो उसमें वो बेटर परफॉर्मेंस हो सकती थी. हाँ, वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट ये, उस टाइम पे जो भी पावर में पार्टी थी उनके पॉलिटिशियंस को डीमोनेटाइजेशन का पहले से आइडिया था, और कैसे उन्होंने वक्त रहते ही अपने नोट्स पुराने एक्सचेंज करा लिए थे, ये भी बड़ा क्लियरली मूवी में दिखाया है. एंड चोक्ड टाइटल बड़ा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि चोक्ड खाली उनका ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं होता, चोक्ड उनकी मैरिज भी होती है, चोक्ड उनकी फैमिली भी होती है, और चोक्ड पूरा का पूरा सिस्टम दिखाया गया है. तो चोक्ड एक टाइटल बड़ा अच्छा रखा गया है मेरे हिसाब से, बट अदर देन दैट मूवी फ्लैट है, स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं है, और साइड कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. और साइड कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है एक मूवी को हिट बनाने के लिए. हाँ, सबका रोल ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. करेक्ट. ये और कुछ ऐड करना चाहेगा या रैप अप करना चाहिए? रैप अप करना चाहिए. थोड़ा सा इशू चल रहा है आज मेरे को लग रहा है इसमें. हाँ, थोड़ा सा आज हम जो प्लेटफॉर्म जूम यूज कर रहे हैं बीच में थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो जो भी डिस्टर्बेंस आ रही है आप उसको इग्नोर करना. रेटिंग पे आ जाते हैं. आई थिंक इक्षक विल अग्री विद मी, हम इसको 2 stars देंगे आउट ऑफ 5. सिंस कॉन्सेप्ट अच्छा है और सेंट्रल कैरेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है. यस. एंड चलो फिर रैप अप करें, कर दो. नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्पांसिबिलिटी मैंने कई नेक्स्ट वीडियो में हम आयरा का ट्रेलर रिएक्शन लेके आने वाले हैं. हां, यस. सुष्मिता सेन एंड चंद्रचूर सिंह आर मेकिंग अ कमबैक थ्रू दिस वेब सीरीज, हम इसको जरूर कवर करेंगे जल्दी से जल्दी.
टिल देन प्लीज रैप अप कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब। सेकंड चीज, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा घंटा आएगा उसको दबाना मत भूलना। थर्ड चीज, सोशल हैंडल्स विच इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो गो एंड फॉलो अस। एंड गाइज, चिंटू का बर्थडे इज ऑन Z5 एंड चोक्ड इज ऑन नेटफ्लिक्स, आप चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप हमारे रिव्यू से कितने सहमत हो। यस, मेरे हिसाब से पहले चिंटू का बर्थडे देखना, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। राइट, टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड वी विल सी यू सून।